अरे सविता, क्या बात है? आज कुछ अलग लग रही है। किसकी साड़ी पहनी है आज? वो मेम साहब, आज ना मेरा जन्मदिन है तो मेरी माँ ने मुझे नई साड़ी दी, बस वही पहनी है। ओ अच्छा, जन्मदिन। आदित्य जल्दी इधर आ। तो हाँ दीदी, क्या हुआ? अरे देख तो, आज सविता का जन्मदिन है। अच्छा, तुझे पता है आदित्य, आज सविता ने नई साड़ी पहनी है। पर दीदी, इसकी साड़ी किसी भी एंगल से नई नहीं दिख रही है। वही ना, पर इसे लग रही है। अरे सविता। जी। तुझे पता है आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, उसने बहुत बड़ी पार्टी रखी है, मुझे भी जाना है पार्टी में। अरे दीदी, क्या अभी आप पार्टी का किसे कह रहे हो? अरे हाँ, मैं भी ना, इसे भला पार्टी का क्या पता होगा। अरे ये लोग कभी पार्टी नहीं करते हैं दीदी, है ना, है ना सविता? हाँ सही कह रहा है तू। सस्ता सा केक लाते हैं, ऐसी साड़ी गिफ्ट में मिलती है और हो गया इनका जन्मदिन, है ना, है ना सविता? अरे रुको सविता। अरे इतना जल्दी कहाँ जा रही हो? सारा काम हुआ नहीं और अभी से जा रही हो? किससे पूछकर जा रही हो? मुझसे पूछकर। मैंने ही सविता को घर से जाने के लिए कहा है, क्योंकि तुम दोनों तो इसकी इंसल्ट करने से बाजी नहीं आ रहे, है ना? तुम दोनों को शर्म आती है या नहीं? किसी गरीब के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं? सविता का जन्मदिन है और जन्मदिन के नाम पर तुम दोनों ने उसे कितना नीचा दिखाया, उसका मजाक बनाया। तुम दोनों पर मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि तुम दोनों को मैं अभी के अभी घर से बाहर निकाल दूं। पर दीदी, इसकी साड़ी किसी भी एंगल से नई नहीं दिख रही है। वही ना, पर इसे लग रही है। अरे हाँ, मैं भी ना, इसे भला पार्टी का क्या पता होगा। अरे ये लोग कभी पार्टी नहीं करते हैं दीदी, है ना, है ना सविता? और हाँ, कान खोलकर सुन लो तुम दोनों, आज के बाद तुम दोनों का जन्मदिन भी कभी नहीं मनाएंगे, तभी तुम दोनों की अक्ल ठिकाने आएगी। नहीं नहीं भैया, हमें माफ कर दो। हाँ भैया प्लीज, हमें माफ कर दो। सविता प्लीज, तुम भी हम दोनों को माफ कर दो। हम दोनों ने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया, तुम्हारा जन्मदिन था और हम दोनों ने तुम्हारा मजाक बनाया। हाँ सविता दीदी प्लीज, हमें माफ कर दो, आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे। अरे कोई बात नहीं, आप दोनों माफी मत मांगिए।